السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون توبہ کی آیت ہے جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے. عموماً تقریروں کے آغاز میں جب کبھی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور سورہ کا حوالہ دیتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تلاوت کے دوران اس بات کا لحاظ رہے کہ یہ سورہ کہاں واقع ہے اور اس سورہ کا نشان کیا ہے. اس کے بہت سے فوائد ہیں اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سوا آپ کے کوئی سورہ کا حوالہ نہیں دیتا بلکہ کسی اور سے پوچھو تو وہ پارے کا حوالہ دے گا, سورہ کا حوالہ نہیں دے گا. اب ایک طویل پارے میں آپ کسی آیت کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھیں تو اتنا وقت آپ کا صرف ہو جائے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے. ایک چھوٹی سی آیت کو سورے میں نکال لینا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ پورے پارے کو آپ ڈھونڈیں, کہ بعض وقت ایک ایک پارے میں 30-30 اور 35-35 سورے بھی آ جاتے ہیں جیسے آخری پاروں کا حال ہے. اور چونکہ یہ تقسیم انسانی تقسیم ہے اس لیے ہم پاروں کا حوالہ نہیں دیتے. سوروں کی تقسیم کے متعلق معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وحی آتے چلی اور جہاں جبرائیل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر نے فرمایا دوسرا سورہ شروع ہوا. جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک مقرب نے کہا پیغمبر نے فرمایا کہ دوسرا سورہ شروع ہوا لکھو. تو اس طرح سے سورہ توبہ نواں سورہ ہے, سورہ یونس سے پہلے اور سورہ انفال کے بعد.
इस सूरह की यह खसूसियत यह है कि इसमें किताब आमेज गुफ्तगु बहुत है, बहुत है। क्या मसलहतें हैं, क्या वाकयात हैं, उस पर पर्दे पड़ गए, पर्दे पड़ गए। यानी जब तक हर आयत के मुतालिक शान नुजूल ना मालूम हो, वो पर्दे उठ नहीं सकते, और शान नुजूल को सिवा मासूम के कोई जान नहीं सकता। मासूम के शान नुजूल को कोई जान नहीं सकता। और इसी शान नुजूल पर कुरान के लिखने के वक्त झगड़ा हुआ था कि इस शान नुजूल को कुरान के हाशिए पर लिखा जाए कि न लिखा जाए, वरना रोज़े अव्वल ही तफसीर तैयार हो जाती, शान नुजूल से दुनिया राजी न थी। उन्हीं आयतों में से, इताब आमेज आयतों में से एक आयत है, और उस आयत में एक लफ्ज़ है बहुत छोटा सा, जिस पर मैं एक मुख्तसर सी बहस आज करना चाहता हूँ। जाहिर है कि जब हम किसी गुफ्तगु को छेड़ देते हैं तो फिर उसके लिए अगर वक्त काफ़ी न हो तो फिर हम इस बात के मुंतजर रहते हैं कि आने वाली फिर किसी तकरीर में वजाहत की जाए, ताकि आपका वक्त बचे और आप पर बार न हो और ज़्यादा वक्त भी आपका सर्फ न हो। इस आयत के माना ये हैं कि जब कभी हम कोई सूरह नाजिल करते हैं, इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन, जब हम कोई सूरह नाजिल करते हैं, वमिनहुम मन यकूल, इन्हीं में से कुछ लोग हैं, इन्हीं में से जिन कुछ लोग हैं, फमिनहुम मन यकूल, इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, अय्युकुम ज़ादतु हाज़िहि ईमाना, इस सूरह से किसका ईमान बढ़ गया। इन्हीं लोगों में से पूछने वाले पूछते हैं कि इस सूरह से ईमान किसका बढ़ गया, यानी वो लोग नहीं हैं जो यहूदी हों, वो लोग नहीं हैं जो मजूसी हों, वो लोग नहीं हैं जो नसारा हों, यही मस्जिद के बैठने वाले जिन पर कुरान आ रहा है, इनमें से लोग पूछते हैं, अय्युकुम ज़ादतु हाज़िहि ईमाना, तुम्हारा किस में इससे ईमान कितना बढ़ गया, इसका ईमान बढ़ गया। तो अम्मल्लज़ीना आमनु, तो ऐ हबीब उनको मालूम होना चाहिए जो लोग ईमानदार हैं, ज़्यादत हुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। ईमानदारों का ईमान सूरे के नुजूल से बढ़ जाता है, ईमानदारों का ईमान सूरे के नुजूल से बढ़ जाता है। ये लफ्ज जिस पे मैं बहस कर रहा हूं वो लफ्ज है ज़ादत हुम, यानी ज्यादा हो रहा है उनके लिए, यानी हम बहस कर रहे हैं ज़ियादती व नुकसान पर, किसी चीज का बढ़ना या किसी चीज का कम होना, ज़ियादती बढ़ना, नक्स या नुकसान कम होना। अय्युकुम ज़ादतु हाज़िहि ईमाना, तुम में से किसका ईमान बढ़ गया, फ़अम्मल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, ज़ादतुहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया, वो हुम यस्तबशिरून, वो लोग, ये नहीं कहा कि खुशी मना रहे हैं, कहा यस्तबशिरून, वो लोग दूसरों से मुबारकबाद तलब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे उनको खुशखबरी दें कि लो ईमान बढ़ गया। इस्तबशार बाबे इस्तफाल से है, जिसमें तलब है, वो लोग
चाहते हैं कि दूसरे उनको मुबारकबाद दें कि सूरह आया, आपका ईमान बढ़ गया। वो अम्मल्लज़ीना फी कुलूबहिम मरज़ुन, और जिनके दिलों में बीमारी है। अब देखिए तकसीम जो ईमानदार और जिनके दिलों में बीमारी है, यह नहीं कहा जो यहूदी हैं, यह नहीं कहा जो मजूसी हैं, यह नहीं कहा जो नसरानी हैं, मगर जिनके दिल में बीमारी है, ज़ादतहुम, वहां भी इजाफा होता है। ईमान वालों में भी इजाफा होता है, जिनके दिलों में बीमारी है उनमें भी इजाफा होता है, मगर किस चीज का? नजासत का। ज़्यादा तुम रिच सन इला रिच से हिम, नजासत पर नजासत बढ़ती जाती है। वह मातू वहुम काफिरून, वो इसी तरह से हालत कुफर में मर जाते हैं। ये आयत खत्म हुई, तर्जमा खत्म हुआ, बहस ज़ियादती और नुकसान पर है कि ये ज़ियादती क्या है। किसी चीज का ज्यादा होना क्या है, यानी ज्यादती के लिए अमल नहीं है और ज्यादती है, इस्तेहकाक नहीं है और ज्यादा हो रहा है, कोशिश नहीं की गई है और ज्यादती अता हो रही है। एक ये भी सूरत है के रहमत इलाही सलाहियत को देख कर, तलब को पहचान कर, इतना दे दे जितनी इस्तेदाद है, इतना दे दे जितनी इस्तेदाद है। अब हम उस जुमले पे वापस जाएंगे कि अम्मल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, ज्यादा तुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफा हो गया, ईमान में इजाफा हो गया, और वो खुशखबरी के तालिब हैं कि कोई खुशखबरी उनको दे कि हो गया तुम्हारे ईमान में इजाफा। क्यों ईमान में इजाफा हुआ? सूरा नाजिल हुआ। सूरा क्या चीज है? कुरान है। कुरान की माहियत क्या है? इल्म है। इल्म का इजाफा यकीनन बशारत तलब है, इसलिए कि नबी को हुक्म हो रहा है रब्बी जिदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में ज्यादती कर, मेरे इल्म में ज्यादती कर। तो नबी के इल्म में इजाफा हो रहा है वही से। तो जब वही आई सूरे सूरत में, तो ईमान में इजाफा हुआ, उसके माना यह कि इल्म में इजाफा हुआ, इल्म में इजाफा हुआ। और जहां इल्म में इजाफा हुआ, वहां हर इंसान को बशारत तलब होना चाहिए। इसलिए अगर मुसलसल मजलिसों में शिरकत का मौका मिले और कहीं अच्छी फिक्र मिले, तो आपको भी बशारत तलब होना चाहिए कि लीजिए इल्म में इजाफा हुआ, हम यहां से यह लेके उठे, यहां से ये सुन के उठे, हमारे मालूमात में इजाफा हुआ। इसलिए कि इल्म ही से ज्यादती मुमकिन है, इल्म से ज्यादती मुमकिन है। जहल नुकसान है, जहल नुकसान है नहीं, जहल रिच है। देखिए फिर मैंने ये मंतिकी इस्तदलाल है, जहल नजासत है। क्यों नजाजत है? इसलिए कि कुरान ने कहा वयजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीन ला याकिलून, नजासत को हम वहां करार देते हैं जहां अक्ल नहीं है, जहां अक्ल नहीं है जहल है, जहां जहल है नजासत है, जहां नजासत है वहां कबूल करने की सलाहियत नहीं है। इसलिए सूरा नाजिल होता है तो नजासत पर नजासत के तोदे लग जाते हैं, नजासत पर नजासत के अंबार लग जाते हैं, और इस तरह से ज्यादती होते हैं। ये एक मंजिल है कि जहां कुरान मजीद को सिर्फ एक लफ्ज के एतबार से देख डालिए तो पता चलेगा कि कुरान में इस ज्यादती का जिक्र 59 मकाम पर है,
50 पर 9, 59 मकाम पर ज्यादती का जिक्र है कि कहां किसको हमने क्या ज्यादा दे दिया। ये याद रखने की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं कि ज्यादती हुई। एक मौके पर तो यकीनन बात आपके समझ में आ गई अब तक कि सूरह ताहा में पैगंबर को हुक्म हुआ कि तुम दुआ करो कि परवरदिगार मेरे इल्म में ज्यादती कर। उसके माना यह है कि वो दुआ महदूद नहीं थी, यानी जब नबूवत खत्म हो जाए तो दुआ बंद कर दो। तो पता चला कि खत्मुल मुरसलीन अपने इंतहाए कमाल पर पहुंचने के बाद भी इल्म इलाही का नयाजमंद है। आप समझे, इल्म इलाही का नयाजमंद है, वहां समादियत है, बाकी सब मोहताज हैं। तो इस तरह से रब्बी जिदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर। कुरान मुअय्यन अल्फाज, मुअय्यन सूरे और मुअय्यन हुदूद का नाम है कि 114 सूरों का कुरान। अब जिदनी इल्मा के माना क्या हुए? जिदनी इल्मा के माना क्या हुए कि परवरदिगार मेरे इल्म में ज्यादती कर। क्या कुरान और बढ़ जाएगा? नहीं, कुरान जो है वही है, मगर बढ़ेगा बयान। एक है कुरान, एक है बयान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। बयान समझाने की ताकत का नाम है कि आयत तो वही है मगर इल्म में इजाफा किए जा रहे हैं ताकि बयान में इजाफा होता जाए। हुवल्लज़ी नज़ल अलैकल कुरान, वो जिसने तुझ पर कुरान को नाजिल किया, लितुबय्यना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम, ताकि तू बयान करे इंसानों को कि क्या चीज नाजिल हुई है। तो बयान भी पैगंबर के लिए है, कुरान भी पैगंबर के लिए है। कुरान सूरों में महदूद है, बयान लामहदूद है। रब्बी जिदनी इल्मा की तफसीर बयान पैगंबर है। ये ऐसी बातें हैं जिनको याद रखना भी चाहिए, जब वक्त जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल भी हो, ताकि लोग जाने कि आपके और मजलिसों में आने वालों के मालूमात में किस तरह से इजाफा होता है। तो बयान पैगंबर में हर आन इजाफा है, हर आन इजाफा है, यानी अगर हयात है तो इजाफा है। हम हयात खत्मी मर्तबत के कायल हैं, इसलिए बयान में इजाफा हो रहा है। रब्बी जिदनी इल्मा की आवाज अब भी हकीकत मुहम्मदिया बुलंद कर रही है। रब्बी जिदनी इल्मा की आवाज अब भी हकीकत मुहम्मदिया बुलंद कर रही है। हकीकत मुहम्मदिया जहां कहीं हो, जिस रंग में हो, जिस मासूम की शान में हो, जिस आईने की तजल्ली में हो, वहां बराबर आवाज है रब्बी जिदनी इल्मा, मकाम हैबत में हो या मकाम गैबत। ये चंद जुमले महफूज रखे जाएं। इसके बाद इस ज्यादती को समझने के लिए एक और मंजिल है, और बड़ा ही वो फलसफियाना मबहस छिड़ जाता है, और उस मबहस को छेड़ते हुए मुझे कोई बाक नहीं है इस वास्ते कि आपके दिलो दिमाग से मौजू बुलंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप समझेंगे उसको, अब नहीं समझेंगे, किसी आने वाली तकरीर में समझेंगे। बहरहाल
समझना तो है। सूरह शूरा कलाम मजीद का 42वां सूरा है। यह सूरा हमारा बड़ा काम का सूरा है। हा मीम ऐन सीन काफ से यह सूरा शुरू होता है, सूरह शूरा। सूरह शूरा इसलिए काम का सूरा है कि इसलिए इसमें आए मवद्दत है, इसमें आए मवद्दत है। आए मवद्दत को हम दरमियान में से पढ़ते हैं। आए मवद्दत को पूरा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ज्यादती के क्या माने हैं। आए मवद्दत ये कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्ना। कह दो ऐ रसूल के मैं नहीं चाहता हूं कोई अजर मेरी मेहनत का मगर मवद्दत कुर्बा, और जो नेकी कमाए हम उसके हुस्न में ज्यादती करते हैं। वो मैं यक्तरिफ हसनतन, उर्दू में जो नेकी कमाए, जो नेकी हासिल करे, जो नेकी के पीछे दौड़े, नजिद लहू फीहा हुस्ना, हम उसके हुस्न में और इजाफा करते हैं। मैं यक्तरिफ हसनतन, उधर हुक्म हुआ कि तुम मवद्दत रखो कुर्बा से, और यहां का जो हसना हासिल करे तो मवद्दत हसना है। मैं यक्तरिफ हसनतन, मवद्दत हसना है, हसना नेकी, हसना है, जो हसना हासिल करे हम उसके हुस्न में इजाफा करते हैं, हम उसके हुस्न में इजाफा करते हैं। तो फलसफियाना बहस जहां से छिड़ जाती है वो ये कि इजाफे हुस्न क्या है। हुस्न की तारीफ ये की कि अगर सही निस्बतें हों तो उसको हुस्न कहते हैं। निसब सही हा के साथ किसी चीज का होना हुस्न है। इजाफते सही हो तो हुस्न है। आप समझ लें, मुनासिब ताल्लुकात के साथ कोई शय वाके हो तो हुस्न है। इरशाद होता है हम हुस्न में इजाफा कर देते हैं। जो नेकी कमाए तो नेकी कमाने वाले के हुस्न में नहीं, उस हसना के हुस्न में, उस नेकी के हुस्न में इजाफा करते हैं। मतलब ये कि उस नेकी की इजाफतों को, उस नेकी के तनासुब को, उस नेकी की निस्बतों को हम इतना मुहकम करते जाते हैं कि ऐसा मालूम हो कि हाँ ये सही माना में हुस्न है, ये सही माना में हुस्न है। नजिद लहू फीहा हुस्ना, हम ज्यादा करते हैं उसके हुस्न को। तो अब गुफ्तगु यहां तक पहुंच गई तो चंद दकीके और। मवद्दत क्या है? किसी से रब्त। मवद्दत क्या है? किसी से ताल्लुक। मवद्दत क्या है? किसी से किसी का कल्बी ताल्लुक। मवद्दत क्या है? मैलान रुझान आतिफा। मवद्दत क्या है? मवद्दत किसी से कुव्वत तस्लीम का इतना मरबूत हो जाना, कुव्वत तस्लीम का इस तरह मरबूत हो जाना कि वो जो चाहे तस्लीम, जिसको कहें सबमिशन, यानी अपने आप को किसी के हवाले कर देना। मवद्दत, मवद्दत। तो खुदा ने कहा कि ये मवद्दत हसना है, और जहां हसना कि किसी ने कोशिश की हम हुस्न में इजाफा करते हैं, हुस्न में इजाफा करते हैं, यानी निस्बतों को कवी कर देते हैं,
हम जिम्मा लेते हैं कि फिर मवद्दत ना टूटे, फिर रिश्ते मवद्दत ना बिगड़े, फिर निस्बतों में तसादुम न वाके हो। हम कोशिश करते हैं कि ये निस्बतें सही जाएं, माजी और हाल और इस्तकबाल को निस्बतें घेर लें। हम कोशिश करते हैं कि ये निस्बतें हश्र में काम आए, नश्र में काम आए, कब्र में काम आए, महशर में काम आए, हिसाब के वक्त काम आए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके हुस्न में इजाफा कर देंगे। एक लफ्ज और है, उस पर भी गौर कर लें ताकि ये लफ्ज हुस्न समझ में आए, अदब। फलसफे में अदब के माना है हुदूद हर शय निगाह दाश्तन, हर शय की हदों को देखना अदब है। ये बड़ा अजीब गरीब मसला है मगर समझने वालों के लिए। अदब, अदब कातिब यानी हदों को देख के लिख रहा है। अदब मुकर्रर, हदों को देख के तकरीर कर रहा है। अदब तबीब, हुदूद को देख के इलाज कर रहा है। और इसी तरह से लफ्ज हुस्न को उसके साथ इजाफा किया। तो क्या हुस्न अदब है? हुस्न अदब है यानी हुदूद मुअय्यन है और इतना वाज़ह हुदूद है कि अपने अदल से हटते नहीं, इसलिए उसको लफ्ज हुस्न कहते हैं। ये एक मैं आज तौजीह कर दूं और फिर जाहिर आने वाले एक शंबे को भी, शायद सुबह को मेरी यहां तकरीर है, मैं उसमें और वजाहत दे सकूंगा। एक बात याद रखिए, लिखने का अदब, पढ़ने का अदब, बोलने का अदब, शेर का अदब, अदब हमेशा अच्छी चीजों के साथ इस्तेमाल होगा। चोरी का अदब नहीं है साहब, क्या चोरी में अदब है? क्या झूठ बोलने का अदब है? क्या धोखा देने का अदब है? लफ्ज अदब गलत मकाम पर इस्तेमाल नहीं होता, यही है हुस्न। बिल्कुल इसी तरह मवद्दत को कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता सिवा आले मोहम्मद के। बहुत ही अजीब बात है, आप पूरे तर्जमे देख डालिए, मौलाना शाह अब्दुल कादिर का तर्जमा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का तर्जमा, अबुल कलाम आजाद का तर्जमा, जितने हमारे उर्दू में तर्जमे हुए, सबों ने मवद्दत के माना यही किए, मोहब्बत। मोहब्बत यानी मवद्दत को, उसकी हकीकत को, उसके हुदूद को, उसके अदब को कोई पा ही ना सका। इसलिए पा ना सका कि मोहब्बत के रिश्ते जुड़ गए कभी माँ से, बाप से, भाई से, बहनों से, घर वालों से, माशरे से, ये रिश्ते जुड़ गए तो मवद्दत के हुदूद समझ में ना आए, इसलिए हसना को ना समझ सके। जहां हसना मवद्दत के लिए समझ में ना आया, वहां हुस्न क्या समझ में आया? ये बहुत ही एक तहकीकी मकाला है कि किस मुफस्सिर ने क्या तर्जमा किया लफ्ज़ मवद्दत का। ज़ाते वाजिब के लिए कहा वदूद, बड़ा मोहब्बत करने वाला, और मवद्दत को एक खास लफ्ज बनाकर, एक खास लफ्ज बनाकर उसकी तारीफ की। आयत मुसलसल कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा वो मन यक्तरिफ हसनतन, और जो ये नेकी कमाए
نزد لہو فیہا حسن, ہم اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. استحقاق ہے کہ نہیں؟ بغیر استحقاق کے اضافہ کر رہا ہے, بغیر عمل کے اضافہ کر رہا ہے؟ نہیں. ذات واجب نے مودت کرنے والے کی اس علمی صلاحیت کو دیکھ لیا کہ لفظ مودت کو کہاں استعمال کر رہا ہے, کس کے لیے استعمال کر رہا ہے, حسن استعمال کیا ہے, حسن ادب کیا ہے, حسن مودت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے بہت صاف ہی بات تھی, محبت بھی عربی کا لفظ تھا, محبت بھی عربی کا لفظ تھا, مگر عربی کے اس لفظ کو چھوڑ کر مودت کا استعمال کر اس کو حسنہ قرار دے اور اس کے ساتھ حسن کا اضافہ کر. محبت کے ساتھ حسن تو آسان ہے نا, کہ حسن سے محبت ہے. نہیں, وہاں حسن سے محبت کی فکر نہیں ہے, وہاں مودت ہی کو ہم حسن بنا دیتے ہیں. بڑی عزیز گفتگو, دیکھیں مودت ہی کو حسن بنا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے اضافتوں کو دیکھیں, اس کی نسبتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد اندازہ کریں کہ یہ کتنا حسن ہے. دیکھیں بہت بڑی بحث ہے, چھوڑیے اس بحث کو اور زیادہ دماغ پہ بار نہ ڈالیے. آئیے عام طور پر جو تجربات ہیں اس سے گفتگو کریں. کام کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں, کسی محفل میں جائیں, کسی جگہ آپ بیٹھ جائیں, کسی سے بھی مذہبی گفتگو چھڑ جائے, اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کو آل محمد سے مودت, تو کیا آپ کے مقابل میں بیٹھنے والا آپ کا جواب یہ دے سکتا ہے کہ جی ہاں آپ کو آل محمد سے مودت ہے, ہم کو آل مروان سے مودت ہے؟ اس لفظ مودت کو کوئی استعمال کر سکتا ہے آل مروان کے لیے, آل ابو سفیان کے لیے, بنی عباس کے لیے, بنی امیہ کے لیے, بادشاہوں کے لیے؟ تو استعمال چونکہ یہ لفظ ہو ہی نہیں سکتا, یہ سب سے بڑا حسن ہے. یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. اول تو اگر آپ کہیں گے ہم آل محمد سے مودت رکھتے ہیں تو نادان مجلسوں میں کم آنے والے وہ پہلے تو آپ سے پوچھیں گے ذرا مودت کے معنی ہی کر دیجئے, اس لیے کہ لفظ مشکل ہے, مشکل لفظ ہے, چونکہ آپ سنتے سنتے آپ کے لیے بہت سی مشکلیں آسان ہو گئی ہیں, بہت سی مشکلیں آسان ہو گئی ہیں, اس لیے وہ کہتے کہ معنی کر دیجئے. جب آپ معنی کریں گے تو پھر وہ ڈھونڈے گا کہ میں ان کے جواب میں کس سے اپنی محبت کو بتلاؤں, ہے نا؟ ایک عام تجربہ ہے, اس کو ریلیجیس ایکسپیرینس کہتے ہیں فلسفے میں, فلسفے میں ریلیجیس ایکسپیرینس, مذہبی تجربہ, یعنی وہ سوچے گا کہ میں اپنی محبت کو کس سے بتلاؤں. تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ جذبہ محبت کسی سے میل ہی نہیں کھاتا, کسی کے ساتھ اس کی عطوفت ہی نہیں ہے, کہیں میلان ہی نہیں ہے. ضد کی بات اور ہے, ضد کی بات اور ہے کہ ہر درمی میں کہے کہ صاحب میں امام اوزائی کو چاہتا ہوں, میں امام ابن تیمیہ کو چاہتا ہوں, میں امام ابن حزم کو چاہتا ہوں. نہیں, تو یہ بات غصے میں آنے کی نہیں ہے, ہم نے خاندان کا نام لیا ہے, کوئی خاندان کو پیش کیجیے. ایک آدمی کی بات نہیں ہے, خاندان کو پیش کیجیے, اس کو پیش کیجیے, اس کے باپ کو پیش کیجیے, اس کے دادا کو پیش کیجیے, اس کے پردادا کو پیش کیجیے, کہ ایک سلسلے میں عصمت آئے. ضد کی بات اور ہے, جب ہم ان کو چاہتے ہیں, آپ کسی ایک کو چاہیں گے,
हमने एक खानदान को पेश किया कि इस खानदान से हमारा रब्त है, और फिर खसूसियत यह है कि जहां यह कहा गया कि जिसने नेकी को हासिल किया मैं यक्तरिफ हसनतन नजिद हम ज्यादा करते हैं नजिद लहू फी हा हुस्ना उसके हुस्न में हम इजाफा करते हैं। एक तो हसना कहा फिर उसके हुस्न में इजाफा किया, हुस्न नाम है सही निस्बतों का, तो इजाफा करते हैं कि माना ये कि उसको अब उस घराने तक महदूद नहीं रखते। ये मेरी तकरीर के आखिरी जुमले हैं, अब जो भी आप समझ सकें। हम उसके हुस्न में इजाफा करते हैं, अगर वो कहे कि आले मोहम्मद से मुवद्दत है तो उसके हुस्न में इजाफा करते हैं, इन्हें उसके दिल को वसअत देते हैं, इतनी वसअत देते हैं कि अब जो आले मोहम्मद को दोस्त रखे उसको भी दोस्त रखे, उसको भी दोस्त, यहां तक के शजर बन जाए। और इस मकाम पर हदीस सही मोहम्मद इब्न अबी उमैर जिसका रावी है वो बहुत गौर के काबिल है। इमाम सादिक फरमाते हैं कुन मुहिब्बन आल मोहम्मद, कुन मुहिब्बन ले आल मोहम्मद इन कुन फासिका, आल मोहम्मद के हमेशा दोस्त रहो अगरचे तुम फासिक सही। फासिक के माने समझ रहे हैं आप, नमाज ना पढ़ने वाला, फिस्क व फुजूर करने वाला, रोजा ना रखने वाला, हुदूद को तोड़ने वाला, यानी फासिक के माने ये नहीं कि काफिर, आप समझ रहे हैं फासिक में और काफिर में फर्क है, यानी हुदूद शरई का लिहाज नहीं रखने वाला। कुन मुहिब्बन लआल मुहम्मदिन व इन कुंता फासिका, आले मोहम्मद को दोस्त रखो अगर चे फासिक सही, नाउमैदी की बात नहीं है, नाउमैद नहीं होना, मेरा ये अमल है क्या दोस्त रखूं, नहीं तुमको हक नहीं है ये। कुन मुहिब्बन लआले मुहम्मदिन व इन कुंता फासिका, तुम फासिक सही मगर इस घर को नहीं छोड़ना, अजीब गुफ्तगू है, तुम फासिक सही इस घर को ना छोड़ना। वकुन मुहिब्बन ले मुहिब्बीहिम इन कानू फासिकीन, और उनके दोस्तों को भी दोस्त रखो अगर से वो सब फासिक हो। आपने देखा ये हुस्न है, इजाफतें फैलती चली, एक मुआशरा बनता चला, और अब पता चला कि हुस्न अदब ने आगे बढ़कर हुस्न मवद्दत की सूरत इख्तियार की, हुस्न मवद्दत ने हुस्न मुआशरा पैदा किया, और हुस्न मुआशरा ने इंसान के दायरे को मोहब्बत के इतना वसी कर दिया कि अब फकत घराना नहीं है। मैंने अर्थ किया ना कि ये मेरे आखिरी जुमले, घराना नहीं है, हदीस याद रहेगी आपको, कुन मुहिब्बन ले आल मोहम्मद व इन कुंता फासिका, इन कुंता अगर चे तू फासिक, व कुन मुहिब्बन ले मुहिब्बीहिम व इन कानू फासिकीन, उनके दोस्तों का भी दोस्त रख अगर चे वो सब फासिक हैं। तो आपने देखा अभी तक तो वहां यह गुफ्तगू थी कि जब आपने कहा हम आले मोहम्मद को दोस्त रखते हैं उनसे मवद्दत है, तो कोई मुकाबिल में खानदान को पेश नहीं कर सका, आपने देखा। और अब कौन आएगा जब ये वसअतें पैदा हो गई कि उनके दोस्तों को भी दोस्त रखो, तो इस मंजिल पर कोई उतर सकता है? नामुमकिन, नामुमकिन है। और यही वो पहचान है कि जहां इंसान इस मोहब्बत को सही माना में हुस्न तमाम के साथ देखता है कि इजाफतें दुरुस्त हैं, निस्बतें सही हैं, और ज
جس کسی سے مودت کا دعویٰ کیا ہے اس میں کوتاہی نہیں ہے, نقص نہیں ہے, کمی نہیں ہے, اور پھر تشنگی رہے گی. میں نے ابھی عرض کیا حقیقت محمدیہ کبھی نقصان میں نہیں ہے, حقیقت محمدیہ نقصان میں نہیں ہے, ہمیشہ اضافہ ہے. ربی زدنی علما, تو مودت کرنے والا وہ کیوں نقصان میں رہے, وہاں حسن میں اضافہ ہے, اس لیے کہ ادھر معرفت بڑھتی جا رہی ہے, یہاں مودت بڑھتی جا رہی ہے, اضافہ ہی اضافہ ہے. اس لیے بار بار اس دعا کو اس دعا کا ورد رہے, اس کو دعائے غریق کہتے ہیں, غین رے یہ قاف, ربی ثبت قلبی علی دینک, ربی ثبت قلبی علی دینک, پروردگار تیرے دین پر میرے دل کو ثبات دے دے, دل کو ثبات دے دے. عجیب دعا ہے اور عجیب نام ہے, دعا غریب. پروردگار دل کو ثبات عطا, جہاں دل کو ثبات ملتا ہے کہ تیری راہ میں یہ ثبات میسر ہو, وہاں مودت ہے, وہاں حسنہ ہے, وہاں حسن ہے, وہاں اضافہ ہے, وہاں نقصان نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایصال ثواب کے سلسلے میں ہو یا کوئی مسرت کے سلسلے میں جو مجلس بھی ہو, وہ نقصان نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ, کوئی نقصان ہے آپ کا؟ نہیں, اضافہ ہے, کچھ زیادتی ہے, کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس گھر کا صدقہ ہے جہاں کمی نہیں ہے, جہاں دینے میں کمی نہیں ہے, عطا میں کمی نہیں ہے. عین وقت پر سائل کو عطا کیا, اور اس طرح سے عطا کیا کہ ایک مشہور منزل ہے اور بڑا عجیب مقام ہے کہ روز عاشور بعد شہادت علی اصغر, حسین ابن علی کی نظر ایک شخص پر پڑی کہ وہ نزدیک آ رہا ہے. یہ قصائص حسینیہ سے پڑھ رہا ہوں, تمہیں کون ہے؟ عرض کی سائل ہوں, فرزند رسول سائل ہوں. کیا بات ہے؟ کا محتاج ہوں. کا کشکول ہے؟ دامن کو پھیلا دیا, تھوڑی سی ریتی زمین کربلا کی اٹھا کے اس کے گود میں پھیلا, کہا لے لے زندگی بھر کا سرمایہ. اب جو دیکھا تو زر و جواہر تھے, زر و جواہر کو دیکھ کے پھر حسین کی صورت دیکھی اور اس کا پھر دامن کو چھوڑ دیا. اس کو لے کے کیا کروں گا مولا, اب اجازت دو کہ میدان میں جاؤں. یعنی عطا کا عالم یہ ہے کہ کسی منزل پر کمی نہیں ہے, کسی منزل پر کمی نہیں ہے. ایک اور واقعے کو لکھا اور اسی قصائص نے لکھا کہ اسی شہادت کے بعد ننھے شہزادے کی ایک اور شخص نے سلام کی. تو کون ہے؟ فتند رسول کربلا جا رہا ہوں, دعا کیجئے کہ زیارت نصیب ہو. جاؤ, شوق سے جاؤ اور دعا کی.
میر انیس کے الفاظ میں, جس کو نہ ہو زوال وہ دولت نصیب ہو یارب, اسے علی کی زیارت نصیب. اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ جب وہاں جانا اور سلام کرنا تو یہ کہنا کہ ایک بیکس بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا مولا اب نہیں جاؤں گا, اب نہیں جاؤں گا, اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں, اب تو آپ رخصت دے دیں. تو اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اجازت تجھے دیتا, مگر مجھے یاد آیا کہ جب تو وطن سے چل رہا تھا تیری ایک بیٹی انتظار کر رہی ہے, تیری ایک بیٹی ہے جو دن رات تیرے لیے روتی ہے, اس لیے میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں. وہ آج بھی تڑپ رہی ہے تیرے انتظار. اور اس کے بعد میر انیس نے مرثیے کو اس بیت پہ ختم کیا, اس بیت پہ مجلس کو بھی میں ختم کر رہا ہوں. حرما نصیب رنجو بلاؤ مہن میں ہے, بیمار ایک میری بھی بیٹی وطن. حرما نصیب رنجو بلاؤ مہن میں ہے, بیمار ایک میری بھی بیٹی وطن. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم.